हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है क्रेमर का नियम। इससे पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो क्लास हमने लगा ली है। आज अपन क्रेमर का रूल्स पहली क्लास पढ़ेंगे। इसके बाद में एक दो नंबर क्लास और आने वाली है, क्रेमर रूल की दो क्लासें रहेगी। दोनों क्लासों में क्रेमर का रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको PDF या पूरा कोर्स परचेज करना है तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इस प्रकार का आइकन मिलेगा, पूरा कोर्स आपको मात्र 51 रुपये में मिलेगा। क्लास की PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी आपको मात्र 51 रुपये में मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं दो चरों के रैखिक समीकरण निकायों से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना क्रेमर रूल की सहायता से। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे तीन चरों वाले, ठीक है। वो तीन चरों वाला क्वेश्चन आता है वो 15 नंबर का आता है, और ये क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये समझ में आएगा तभी दूसरी क्लास समझ में आएगी, अन्यथा दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। अब देखो यहां से क्रेमर रूल में क्या होता है कि हमें सारणिक बनानी होती है। दो चर हैं तो सारणिक 3 बनेगी, 3 चर हैं तो सारणिक 4 बनेगी। अब यहां से सारणिक को अपन किससे डिनोट करते हैं, सारणिक को डेल से डिनोट करते हैं। तो मैं यहां से डेल लिखूं, डेल सारणिक जो बनेगी वो बन जाएगी हमारे पास A1 B1 A2 B2, ये सारणिक है। दूसरी सारणिक बनेगी डेल वन, क्या बनेगी, डेल वन बराबर बन जाएगा हमारे पास ये D1 D2, ये बन जाएगा B1 B2, और ये बन जाएगा डेल टू। सारणिक बनेगी ना वो बन जाएगा A1 A2, और ये है D1 D2। ये हमारे पास में तीन सारणिक बनेगी। एक तो डेल सारणिक बनेगी एक्स और वाई के कांस्टेंट से, एक्स और वाई के गुणांक से। इसके बाद में डेल वन बनाएंगे तो एक्स के जो गुणांक है उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह ये नंबर आएंगे, ठीक है, इक्वल वाले। और जब अपन डेल टू बनाएंगे ना तब वाई के गुणांक छोड़ देंगे और उसकी जगह क्या आएंगे, D1 और D2 आएंगे। अब अपन एक्स का मान निकालना पड़ता है, यहाँ पर हमें एक्स और वाई का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे डेल वन की सहायता से, x2 का मान निकालेंगे डेल टू की सहायता से। तो यहां से x का मान आता है डेल वन अपॉन में डेल, जहां पे डेल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और y का मान निकालते हैं, वो निकालते हैं डेल टू अपॉन में डेल से, यहां पे डेल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। डेल अगर 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो ये कंडीशन सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। अगर हमारे पास में एक्स वाई जेड और होता तो डेल थ्री और बन जाता, डेल थ्री और बन जाता। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी सहायता से जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं अपन। ज़्यादा हार्ड मैटर है नहीं, ईजी है मैटर। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं, यदि हल संभव हो तो क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। हल संभव हो तो क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। हल संभव कब होगा, जब डेल का मान नॉट इक्वल 0 हो। डेल का मान नॉट इक्वल 0 हो तो क्रेमर नियम से एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो अपन चेक करते हैं यहां से, हल लिखेंगे यहां ये बन जाएगा हमारे पास में डेल, डेल बराबर बनेगा 2 माइनस 3 2 3। डेल का मान निकाल लेते हैं, डेल का मान आ जाएगा 2 3 6 माइनस फॉर्मूले का 1 माइनस ये माइनस और माइनस प्लस 2 3 6 6 और 6 12 नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यहाँ पे हल संभव हो जाएगा, हल संभव हो जाएगा,
ठीक है। अब अपन निकालते हैं डेल वन, डेल वन निकालेंगे तो ये 3 और 9, डी वन और डी टू का मान यहाँ पे आएगा, आपको पता है एक्स के गुणांक छोड़ते हैं वाई का गुणांक उठाते हैं, माइनस का 3 और 3, इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं कितना आएगा, 3 3 9 माइनस और 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा 36 होगा, कितना होगा 36 होगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ से डेल टू का रिजल्ट निकाल लेता हूँ, डेल टू क्या आएगा 2 2, अब y के गुणांक छोड़ देंगे ये आएगा 3 और 9, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 9 2 18 माइनस में 6, तो रिजल्ट आएगा 12, रिजल्ट कितना आएगा 12 आएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो अपन जानते हैं कि डेल वन बटा डेल होता है, डेल वन का मान कितना निकाला हमने, 36 निकाला, 36 में 12 का भाग देंगे तो 12 3 36, तो x का मान कितना आएगा 3 आंसर आएगा, x का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब हमें निकालना है y का मान, y कितना होता है, डेल टू अपॉन में डेल होता है, डेल टू अपॉन में डेल होता है, डेल टू का रिजल्ट कितना है 12, और डेल का मान है 12 12 बटे 12, यानी 1 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 1 आंसर, छाप लो। यह आ गया हमारे पास में x और y का मान, इज दैट क्लियर, सिंपल सा है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके के, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और एक तरीके के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन सेट भी हो जाएगा दिमाग में भी इस प्रकार से हमें करना है। जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक देखते हैं वो उसकी इमेज या वो वस्तु हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, इसलिए एक तरीके के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको निकालने जरूरी हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड दे रखा है, इसमें चेक करते हैं क्या डेल इसमें एक्स और वाई का मान निकालना संभव है या नहीं है, तो अपन चेक करते हैं। और वैसे 10वीं क्लास की समीकरण है ये, अगर आप चेक करना चाहें तो 10वीं क्लास की समीकरण है कि इसका मान संभव होगा या नहीं होगा। हल यहां से देखते हैं, डेल लिखता हूं मैं, डेल का मान कितना आएगा, 1 2 2 4, 1 2 2 4, तो डेल का मान आ जाएगा हमारे पास में, ये कितना बनेगा बना लो, 4 1 4 माइनस में 2 2 4, 2 × 2 है, तो ये बन जाएगा डेल बराबर 4 − 4 = 0, डेल का मान 0 आ गया, डेल का मान 0 आ गया। और एक और क्या हो गया, डेल वन निकाल लेते हैं, देखते हैं उसका मान कितना आता है, डेल वन का मान आ जाएगा हमारे पास में 5 10 2 4, तो ये कितना होगा भाई, 5 × 20 माइनस में 10 × 20, ये भी रिजल्ट 0 आ गया। अब मैं डेल टू निकाल लेता हूँ, डेल टू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 2, और ये बन जाएगा हमारे पास में 5 10, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 10 − 10, ये भी रिजल्ट 0 आ गया, सारे रिजल्ट 0 हैं। लिखोगे यहाँ, यहाँ डेल बराबर 0, डेल 1 बराबर 0, डेल 2 बराबर 0, सारे रिजल्ट 0 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसने शुरुआत में पूछा था हमसे, यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे भी, समीकरण निकाय कैसे हैं, यदि हल संभव हो तो क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हल संभव है क्या बताइए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की बात हो रही है यहाँ पे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की बात हो रही है, 1/2 रिजल्ट आ रहा है, इसका भी 1/2 रिजल्ट आ रहा है, इसका भी 1/2 रिजल्ट आ रहा है, तीनों रिजल्ट बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से एक्स और वाई के मान कोई हल संभव नहीं है, वैसे कोई फिक्स मान संभव नहीं है, तो लिखेंगे अतः एक्स व, यहां से लिखोगे अतः यहां एक्स व वाई का कोई निश्चित मान संभव
नहीं है, कोई निश्चित मान संभव नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहां एक्स और वाई का कोई निश्चित मान संभव नहीं है, इसके अनंत हल होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है समीकरण निकाय को क्रेमर नियम से हल करें। चलो लिखते हैं, यहां से अपन डेल बनाने की कोशिश करते हैं। पहले दोनों समीकरणों को मैं अच्छे से लिख लेता हूं। यहां से लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 5, और ये बन जाएगा 6x माइनस में 3y बराबर 11। लिखोगे यहां डेल क्या बनेगा, डेल बन जाएगा हमारे पास में 2, 6, 3, -3। तो इसका मान कितना आएगा, माइनस का 2 3 6, और ये कितना आएगा, माइनस का 6 3 18, रिजल्ट आएगा माइनस के 24। रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के 24 आएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं डेल वन का मान। डेल वन का मान कितना आएगा, 5 11 3 -3। तो ये कितना आएगा, माइनस के 5 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस के 5 3 15 माइनस 11 3 33। तो रिजल्ट आएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, 4 8 48। कितना होगा, 5 और 3 8 3 1 4 48। नेक्स्ट आएगा डेल टू, डेल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 6 2 6, और ये आएगा 5 11 5 11। तो ये बन जाएगा 11 2 22 माइनस में 6 5 30। तो रिजल्ट आएगा माइनस के 8। अब अपन चेक कर लेते हैं एक्स का मान कितना आएगा, डेल वन अपॉन में डेल आएगा, डेल वन का मान कितना है, माइनस के 48 है, और डेल का मान कितना है, माइनस के 24 है। माइनस से माइनस कटेगा, 24 2 48 होते हैं, डेल का मान 2 आ जाएगा एक्स का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से वाई बराबर क्या होता है, डेल टू अपॉन में डेल होता है, डेल टू का रिजल्ट कितना है, माइनस के 8 है, ये कितना है, माइनस के 24 है। तो माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकम 8 8 3 24। तो लिखोगे अतः एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 1/3 होगा, 1/3 होगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर है, बस एक क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके बाद में ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो कंटेस्ट आपको 2-3 महीने तक याद रह जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम पड़ा एग्जाम में तो एक बार बीच में और दोहराना पड़ेगा इनको। क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे भी अपन लिखते हैं हल, डेल बनाते हैं सबसे पहले, ये बन जाएगा हमारे पास 2 5 माइनस के 7 6 7 6, मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 12 माइनस और माइनस प्लस, 7 5 35 जोड़ेंगे 7 3 1 4 47। इसके बाद में डेल वन का मान आ जाएगा, ये कितना हुआ, ये देखो एक ही बात है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इस समीकरण को चेंज करके लिखूँ ना, 2x माइनस में 7y बराबर 13 है, और ये समीकरण बन जाएगी 5x प्लस 6y बराबर 9 है। अब 13 और 9 को यहाँ पे लिखना है, कन्फ्यूज मत हो जाना कि माइनस माइनस है, कोई बात नहीं, अगर माइनस लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे 13 और ये है 9, माइनस के 7 प्लस के 6, तो कितना हो जाएगा, 13 5 65 13 6 78 हो जाएंगे, माइनस में 9 7 63 और माइनस एक और है, माइनस और माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 63, 8 3 11 7 13 14 141। इसी प्रकार से अपन निकालते हैं किसका मान, डेल टू का मान, डेल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 5 2 5, कितना है, 2 5 है, और ये कितना आएगा, 13 9
तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 माइनस में 13 × 5 = 65 माइनस का 65 है ध्यान रखना, घटाओगे 15 में से 8 जाएगा तो 7, इधर बच गया 1, 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 47 किसका, माइनस का 47 आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आप जानते हैं होता क्या है, डेल वन अपॉन में डेल होता है, तो x का रिजल्ट कितना निकलेगा, डेल वन का मान कितना है 141 और डेल का मान कितना है 47, 47 × 141 होता है, 47 × 141 होता है, बिल्कुल x का मान 3 आएगा। इसी प्रकार से अपन लिखेंगे y का मान, y का मान हो जाएगा डेल टू अपॉन में डेल, डेल टू का मान कितना है माइनस के 47, डेल का मान कितना है 47, काटोगे तो रिजल्ट कितना आएगा y इज इक्वल टू आएगा माइनस के 1, क्योंकि 47 से 47 कर देगा y का मान 1 आएगा और यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो लिखोगे अतः x बराबर कितना है 3 है व y बराबर है 1, वो भी किसका माइनस का होगा, x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 1 होगा। इज दैट क्लियर, इस क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने 3 और एक 4 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट किए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3 चर वाला 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वैसे टारगेट हब के नाम से शुरुआत में मैंने बताया था कि इस प्रकार का आइकन आएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्लासों की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।